सी वॉइस, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कुछ एग्जांपल्स एंड हाउ टू यूज एक्टिव पैसिव वॉइस, बट प्रॉपरली आज हम उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड हाउ टू यू कन्वर्ट एक्टिव टू इनटू द पैसिव वॉइस. सो सबसे पहले देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एक्शन बाय यूजिंग अ ट्रांजिटिव वर्ब. रीड, अब यहाँ पे दो वे है एक्सप्रेस करने के एक्शन को यूजिंग बाय ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हरी किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हरी. इट्स टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस. एक मैंने आपको एग्जांपल दिया हरी किल्ड अ स्नेक एंड सेकंड इज अ सैड स्नेक वाज किल्ड बाय हरी. मैंने ये पहले भी देखा था एक रामा और हरी वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. तो दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब को यूज करके. थ्री, दिस टू सेंटेंस हैव द सेम मीनिंग. अब यहाँ पे मीनिंग तो सेम है दो सेंटेंस का पर एक्सप्रेस जो है वो अलग हो गया है. देन आर सिंपली टू डिफरेंट वेज ऑफ द सेम थिंग. देयर इज हाउएवर अ शिफ्ट इन द स्ट्रेस ऑन द एजेंट एज ऑल्सो चार्ज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि कभी एजेंट पे जो है वो फोर्स किया गया है या और कभी वर्ब पे जो है वो फोर्स किया है मेन दिखाया है. इन द सेंटेंस वन द सब्जेक्ट हरी इज द डू ऑफ द एक्शन. मेन क्या है हरी है. इन द हरी किल्ड अ स्नेक इसमें मेन जो है हमारा सब्जेक्ट डू कौन है हरी है इसने फोकस किया है. इट एक्ट्स और इज एक्टिव उसको एक्टिव बताया है वो एक्ट कर रहा है एक्शन कर रहा है वो दिख रहा है. सो द वर्ब किल्ड इज द इन द एक्टिव वॉइस और वर्ब है किल्ड. वर्ब जो एक्शन में दिखाया है वो है किल्ड हरी के द्वारा हो रहा है मतलब हरी कर रहा है हरी मेन है यहाँ पे. इन द सेंटेंस नंबर सेकंड द सब्जेक्ट अ स्नेक इज द रिसीव्ड ऑफ एक्शन. अब स्नेक है वहां पे मेन हो गया रिसीवर हो गया ऑफ द एक्शन. और इफ सफर रिएक्शन डन बाय समवन एल्स इट इज द एक्टेड अपॉन. सो द वर्ब वॉज किल्ड इज इन द पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस भी बदल गया. जब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं पहले हरी था वो इम्पोर्टेंट था अब स्नेक है इन द सेकेंड पैसिव वॉइस में वो इम्पोर्टेंट हो गया. एक्शन किसी के बाद द्वारा भी हो सकता है बट जब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर सब्जेक्ट दिया गया है उसी के द्वारा एक्शन होता है तो वहां पे मेन सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है. लेट्स सी अदर एग्जांपल्स लाइक लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स. पैसिव वॉइस क्या होगा इसका लवली सॉन्ग्स आर संग बाय लता. सिंग्स इज द सिंपल पास्ट टेंस एंड आर संग इज द पास्ट सिंग्स है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहा है और आर संग है वो सिंपल जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस को मतलब के प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे सिंग्स है वो प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहा है. वी डिड नॉट ग्रो राइज यहाँ पे पास्ट टेंस यूज किया है. राइज वॉज नॉट ग्रोन बाय अस. वॉट डू यू वेंट What is wanted by you, by है वो mean यहाँ पे हम यूज करेंगे जब भी हम एक्टिव में से पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसिटिव करते हैं हम जब एक्टिव में से पैसिव में. अब हमारे पे नोट करने जैसी चीजें क्या है इन द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज इन टू द पैसिव वॉइस. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ही चेंज हो गए बाकी के वर्ब्स चेंज नहीं होंगे इन द पैसिव वॉइस. A transitive verb has an object become a subject of the passive voice. अब object है वो किसकी जगह पे आएगा जब भी हम passive voice में use करेंगे यानी कि active voice का है ये example. लता sings a lovely song. लता is the अब यहाँ पे lovely song is the जो है object है वो subject की जगह पे आ जाएंगे. The subject of the action voice is the maid of the object some proposition generally by. By है वो यूज होगा पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव में से पैसिव बनाएंगे तब. द पैसिव कंटेन द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जनरली हम पैसिव वॉइस जब यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल होगा यूज उसमें थर्ड फॉर्म
होगा वर्ब का. सम फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज एम आर वाज वेयर बीइंग और बीइंग इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंसेस. यानी कि समटाइम्स ये सारे टू बी के जो इंफिनिटिव्स हैं तो टू बी के वो सब यूज होंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस. हम जब भी टू बी टेंस यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग पास्ट है प्रेजेंट है या फ्यूचर है. द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज. अब वर्ब का जो टेंस है वो जनरली चेंज नहीं होगा. अब यहाँ पे एक टेबल है. टेबल में है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंज होंगे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वी वन है डू डज और फॉर्म टू बी है उस जब डू डज दिया गया है प्रेजेंट टेंस टू डज तो चेंज क्या होगा पैसिव वॉइस में. फॉर्म अगर टू बी का हम लगाएंगे कौन कौन से इज एम आर प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट टेंस में ही कन्वर्ट होगा. जैसे यहाँ पे दिया गया है और डू और डज डू डज की जगह पे लगेगा इज एम आर. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया गया है यहाँ पे लता सिंग्स या फिर देव टॉम इज बिल्ड यहाँ पे दिया गया है लता सिंग्स लवली सॉन्ग तो सिंग्स का सम यानी कि वी थ्री में कन्वर्ट होगा. वर्ब वी थ्री कन्वर्ट होगा डज और डू की जगह पे लगेगा इज एम आर. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है अगर डिड पास्ट जो दिखाता है रिफर करता है उसकी जगह वॉज एंड वेयर लगेगा डिड निकल जाएगा जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे. और वर्ब तो वही रहेगा थर्ड वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर विल एंड शैल है विल शैल प्लस फर्स्ट वर्ब एक्टिव वॉइस में है अगर तो पैसिव वॉइस में क्या होगा विल बी शैल बी कुड बी कैन बी ये सारे जो है उसके विल शैल के बाद बी लगेगा. फिर इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी है यानी के टू बी प्लस वी वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाला जो कोई सेंटेंस है उसमें जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा. आई एन जी वाला जो हम लगाने वाले हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हम किसमें कन्वर्ट मतलब कि जो हमारा वर्ब है वो हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे थर्ड फॉर्म वर्ब का कर देंगे तो इज आई एन जी है वो निकल जाएगा एक्टिव वॉइस में से. तो पैसिव वॉइस में हमें आई एन जी की जगह बीइंग लगाना है इज एम आर प्लस बीइंग. अब वॉज वेयर प्लस वी वन प्लस आई एन जी है तो वैसे ही वॉज वेयर के साथ भी बीइंग यूज होगा और थर्ड फॉर्म होगा यूज वर्ब का. हैज हैव हैड प्लस वी थ्री है तो हैज हैव हैड के साथ बीन यूज होगा. मॉडल्स है कोई मॉडल दिए गए हैं मे कैन ऐसे तो उनके साथ मॉडल प्लस बी लगेगा यानी कैन बी फिर मे बी. फिर दूसरा टेबल है कि टेंस चार्ट है पैसिव वॉइस में कैसे टेंसेस चेंज होते हैं. फॉर्म ऑफ द वर्ब लव इन द वेरियस टेंसेस कि एक लव जो वर्ब है उसको अलग अलग टेंसेस में कैसे चेंज होगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे एक टेंस से. देन प्रेजेंट टेंस है इज एम आर प्लस वी थ्री है तो कंटिन्यूस जो यहाँ पे पैसिव मैंने आपको ये पहले यहाँ पे लिख के भी दिखाया था यू हैव टू कंफर्म दैट इज लव एम लव आर लव विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंटिन्यूस टेंस में क्या है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री इज बीइंग लव्ड एम बीइंग लव्ड आर बीइंग लव्ड. परफेक्ट टेंस में क्या होगा हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वी थ्री हैज हैव लव्ड हैज बीइंग लव्ड. पास्ट टेंस में वॉज वेयर प्लस वी थ्री में होगा वॉज लव्ड एंड वेयर लव्ड. फिर कंटिन्यूस पास्ट टेंस है तो उसमें वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री होगा चेंज वॉज बीइंग लव्ड एंड वेयर बीइंग लव्ड. हैड हैव बीन प्लस वी थ्री परफेक्ट टेंस में क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन प्लस वी थ्री हैड बीन लव्ड. फ्यूचर टेंस है अगर कोई तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल प्लस बी प्लस वी थ्री विल बी लव्ड शैल बी लव्ड. कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर में नहीं है तो फ्यूचर टेंस अगर परफेक्ट फ्यूचर टेंस है विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वी थ्री यानी कि विल हैव लव्ड shall have been loved. अब यहाँ पे हमारा जो आगे का जो है प्रोनाउंस का भी चार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए नाइस डे थैंक यू एंड टेक केयर. आप इन सबको रिमाइंड करते रहिएगा नोट भी कर सकते हो आप और बार बार आपको इसको अगर रिमाइंड करेंगे तो आप ये सारे रूल्स हैं वो आपको याद रह जाएंगे. यू हैव टू
remind this all rules of accuracy voice for the examination and the grammatical topics. So आगे का जो वीडियो है हम आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए नाइस डे. थैंक यू एंड टेक केयर.